नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो आज वर्ल्ड कप में हाई वोल्टेज मुकाबला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बहुत ही बड़ा मुकाबला है। तो बात करेंगे हम इस मैच के ड्रीम 11 टीम के, साथ साथ बात करेंगे दोनों टीमों के पिछला प्लेइंग 11, पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयरों की। आपको तो पिछला मैच इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ था, जो कि बारिश की वजह से हो नहीं पाया था, नो रिजल्ट रहा मैच। और पाकिस्तान का पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जो कि हार गई है पाकिस्तान। और इंडिया का जो पिछला मैच न्यूजीलैंड के साथ था, उससे पहले वाला जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, वो जीत का ही है, यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार का ही है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत का ही है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, पाकिस्तान की टीम कैसी खेलेगी इस मैच में और इंडिया की टीम कैसे खेलेगी। तो इंडिया फेवरेट, इंडिया का हूँ मैं और इंडिया आपको ही सपोर्ट करूँगा। तो ऐसे पाकिस्तान आज हारने वाला है, तो इस हिसाब से आप टीम बनाइएगा, इंडिया के प्लेयर ज़्यादा रखिएगा। और इस जो टीम मैंने बनाई वो टीम में मैं दिखा दूंगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था इंडिया का, उस मैच का जो प्लेइंग 11 और उस मैच में जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे, उनके परफॉर्मेंस में दिखा दूंगा। और पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, उस मैच में जो इनके परफॉर्मेंस थे और जो प्लेइंग 11 था, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता है, बोलने की जरूरत नहीं। तो प्लीज़ जो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्लेइंग 11 की। तो जो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो प्लेइंग 11 था, न्यूजीलैंड से पहले जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ मैच हो नहीं पाया बारिश की वजह से, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो प्लेइंग 11 था, आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा थे, शिखर धवन थे, विराट कोहली, लोकेश राहुल, MS धोनी, केदार यादव, हार्दिक पांड्या, राजेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा उस मैच में जिन बैट्समैन ने स्कोर किया था, शिखर धवन 117 यानी 157 बनाए थे, विराट कोहली ने 82 यानी 82 बनाए थे, रोहित शर्मा ने 57 यानी 57 बनाए थे, हार्दिक पांड्या ने 48 यानी 48 बनाए थे। इसके अलावा जिन बॉलर ने विकेट लिए थे, आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए थे, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए थे, राजेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए थे। तो ये थे जो इंडिया के प्लेयर जो परफॉर्म किए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इन प्लेयर को अगर आप अपनी टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का जो पिछला प्लेइंग 11 था, देख सकते फखर जवान थे, इमाम उलक, बाबर आजम, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, मोहम्मद हाफिज, आसिफ अली, हसन अली, मोहम्मद आमिर, बहाब रियाज, शाहीन अफरीदी। इसके अलावा जिन बैट्समैन ने स्कोर किए थे, आप देख सकते, मोहम्मद हाफिज ने 46 यानी 46 बनाए थे, बहाब रियाज ने 45 यानी 45 बनाए थे, सरफराज अहमद ने 40 यानी 40 बनाए थे। और जिन बॉलर ने विकेट लेते, देख सकते, मोहम्मद आमिर ने 5 विकेट लेते, शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट लेते, बहाब रियाज ने 1, मोहम्मद हाफिज ने 1 और हसन अली ने 1। आप देख सकते हो बॉलर ने कभी ठीक ठाक परफॉर्म किया था, फिर भी मैच हार गई थी। आपको बता दो, लास्ट में जाके विकेट लिया मोहम्मद आमिर ने, ऑस्ट्रेलिया 300+ स्कोर कर चुकी थी उस मैच में। तो उसके बाद मोहम्मद आमिर 5 विकेट लिए, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरीके की बॉलिंग रही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो ड्रीम 11 टीम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे हम विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर में आपको बता दो, आपके पास विकेट कीपर में 3 ऑप्शन रहने वाले, MS धोनी का, उसके बाद दिनेश कार्तिक और सरफराज अहमद। तो आप देख सकते हो मैंने MS धोनी को लिया, आप चाहो तो दोनों विकेट कीपर को ले सकते हो, दिनेश कार्तिक के खेलने चांसेस कम है, अगर वो टॉस के बाद खेलते तो आप उनको ले सकते हो, नहीं तो आप दोनों विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं, किसी एक के साथ भी जा सकते हो। मैं इंडिया का हूँ इसलिए मैं धोनी को लिया हूँ। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन ने विराट कोहली को लिया, रोहित शर्मा को लिया, इमाम उलक को लिया और आसिफ अली को लिया है मैंने। इसके अलावा जो आप बाबर आजम, शिखर धवन, इनमें से भी ट्राई कर सकते हो, फखर जमान, लोकेश राहुल और हरीश सोहल नहीं खेल रहे तो इनको ना ले तो इच्छा होगा, तो कुछ ऑप्शन आपके पास बसता है, इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो 4 मैच सजेस्ट किए इन चारों के साथ भी जा सकते हो, इनसे सेटिस्फाई हो तो। विराट कोहली, रोहित शर्मा और इसके इमाम उलक और आसिफ अली। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो हार्दिक पांड्या को लिया, मोहम्मद हाफिज़ को लिया और केदार यादव को मैंने लिया। इसके अलावा आप ले सकते हो शोएब मलिक को, इमाद वसीम नहीं खेल रहे तो इनको ना ले तो ये अच्छा होगा, एक ही मात्रा ऑप्शन आपका सस्ता है शोएब मलिक का, तो शोएब मलिक को आप ले सकते हो। आज रविंद्र जडेजा के खेलने के चांसेस है, तो देख लीजिएगा, अगर ये खेलते तो इनको आप ले सकते हो। वैसे आपको बता दूँ, शिखर धवन इस मैच में शायद नहीं खेलेंगे, वो इंजर्ड थे पिछले मैच में भी, खेलने के चांसेस कम थे, तो इस मैच में भी चांसेस कम है, तो उनकी जगह आपको बता दूँ विजय शंकर को खिलाया जा सकता है, रविंद्र जडेजा को खिलाया जा सकता है। टॉस होने के बाद अगर आप इनको लेना चाह रहे तो ले सकते हो। वैसे जो 3 ऑलराउंडर मैंने लिया, अगर इनसे सेटिस्फाई तो इनके साथ जा सकते हो, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद हाफिज और केदार यादव। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। तो मैंने जसप्रीत बुमराह को लिया, मोहम्मद आमिर को लिया और हसन अली को लिया। यहाँ पे आप हसन अली की जगह जो अगर किसी और बॉलर को, राजेंद्र चहल को ले सकते हो आप, इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार को ले सकते हो, इसके अलावा शाहीन अफरीदी आपके पास ऑप्शन है, तो कुछ ऑप्शन आपके पास बचते हैं, आप इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, बहाब रियाज को भी आप ट्राई कर सकते हो, तो देख लीजिएगा आपको किनको लेना। जो 3 बॉलर मैंने लगा इनसे सेटिस्फाई, इनके साथ जाना, नहीं तो आप चेंज करके किसी और को ले लेना। जो 3 बॉलर मैंने लिया, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद आमिर
और हसन अली। इसके बाद बात करते हैं टीम प्रीव्यू और कैप्टन और वाइस कैप्टन के, यहाँ पे कैप्टन रोहित शर्मा को बना, वाइस कैप्टन इमाम उल हक को बना। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी को बना सकते हो, विराट कोहली, आसिफ अली, ग्रैंड लीग के लिए आसिफ अली बहुत अच्छा ऑप्शन है, हार्दिक पांडे, मोहम्मद हाफिज को बना सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन आपके पास बचते हैं बॉलिंग में, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद आमिर, इनमें से किसी को भी बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। वैसे मोहम्मद आमिर इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट उतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाएंगे, आपको बता दूँ, और इंडिया बहुत अच्छी खेलेगी इस मैच में। तो देख लीजिएगा आपको उस हिसाब से आप टीम बनाइएगा। तो अगर आप इन दोनों से सेटिस्फाई नहीं जो दो मैं सजेस्ट करूँ, तो बाकी के ऑप्शन में से चूज कीजिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आप इन दोनों से सेटिस्फाई तो रोहित शर्मा को कैप्टन और इमाम लोग को वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। इसके बाद लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, हमारे चैनल के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का बटन देखा उसको प्रेस कीजिए, बस उसको प्रेस ही करना है, ना कोई पैसा जा रहा ना कुछ जा रहा, तो रेड कलर का बटन उसको जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और हमारे चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।